बहुत खुशी हुई है कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स जो है वो उसमें उनका नाम अगर दर्ज होगा तो हम सब इंडियंस के लिए और सारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है। तो ये हमारे फ्रेंड्स हैं और जब इनने मुझे इसने उस्मान का फ़ोन आया कि भाई ऐसे ऐसे है, मैं कहा 100%। और फिर जब ये आए हैं तो उसी दिन आज आई थिंक इट्स अ वेरी लकी डे, धर्म जी का बर्थडे कर ही गया है और आज डैड को और धर्म जी बेस्ट फ्रेंड्स थे तो अब डैड को ये ऑनर मिल रहा है और हम सब पूरी फैमिली की तरफ से थैंक यू बोलना था। हमारे पास इतनी ट्रॉफियाँ होती थी कि मतलब ये रूम पूरा भर जाए, लेकिन हमारी दादी जो है उसे लगा यार पूरा एक रूम वेस्ट हो रहा है, तो उनने सबके बर्तन बना दिए। तो वो इतने सिंपल लोग थे। वो एक हमारा कप बचा है जो मुंबई रह गया था, बाकी जितने पंजाब में थे उनके बर्तन का एक रूम है अभी भी वहाँ। तो आई थिंक यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो बड़े सिंपल से आदमी थे। बहुत सारे अवार्ड्स, मतलब हज़ारों अवार्ड उनने लाइफ में अपने लिए। उनके जाने के बाद मैंने भी बहुत जगह जाके उनका वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये वो कलेक्ट किया है। बट दिस इज़ एन ऑनर बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड हम लोग बच्चे थे तो अभी भी हम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स खरीदते थे और पढ़ते थे, और कभी भी इंडियन लोग बहुत कम होते थे उसके अंदर, तो लगता था यार इंडियन लोग भी बड़े खतरनाक है, ये क्यों नहीं है। तो आई थिंक जो आप काम कर रहे हो बहुत महान है, बिकॉज आई थिंक मेनी इंडियंस डिजर्व टू बी इन दैट ऑनरेबल बुक। मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है और फ्रेंकली स्पीकिंग ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए। जितने भी आज तक हम लोगों ने सर्टिफिकेट दिए हैं उसके, आज जो हम दारा सिंह जी को हम लोग ऑनर कर रहे हैं, सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तो इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर अस। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग ये एक अलग हटके हमारे लिए चीज़ हुई है, जबकि आज मतलब आज हमारे लिए दो सर्टिफिकेट हैं, पार्लियामेंट हाउस भी है, तो उसका संतोष भाई उसको मिस करके यहाँ पर आए हैं ख़ास दारा सिंह जी के लिए, और बोले कि मैं खुद जाऊंगा और ख़ुद से उनको अपने हाथ से सर्टिफिकेट दूंगा, और देखते हैं ऊपर वाले क्रम से। अभी जैसे कि बिंदु भाई ने बोला है कि दारा सिंह जी के ऊपर एक फिल्म बन रही है, तो ये बहुत फास्ट काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म बनेगी, 100% बनेगी। बहुत अलग सा फील था, और अभी यहाँ आने से पहले धर्मपाजी से बात हुई, कलराज मिश्रा जी राजस्थान के गवर्नर ने धर्मपाजी से बात की और उसके बाद हमने उनको बधाई दी, और राज्यपाल जी ने भी आपको शुभकामना प्रेषित की है क्योंकि वो भी दारा सिंह जी के बहुत फैन रहे हैं और हमेशा अभी भी हैं वो, और एक अलग सा अनुभव है आज, वो बयां नहीं किया जा सकता शब्दों में, एक फीलिंग है और वो फीलिंग अभी हम वर्तमान में नहीं, ऐसा लग रहा हम 25-30 साल पुराने किसी फील के अंदर चल रहे हैं, और वो सर्टिफिकेशन हमारे माध्यम, हम तो एक माध्यम हैं इन सब चीज़ों को करने के, लेकिन हमें जो करना है इन सब नामों को बहुत पीढ़ी तक आगे बढ़ाने का काम करना है, और हमारे पास जो माध्यम हमें मिला है उसको हम बखूबी आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, यू टू अंडरस्टैंड, जब इंसान की जो जर्नी है वो एकदम ज़मीन से उठ के आसमान छूने लग जाए तो वो इंस्पिरेशन हो ही जाते हैं, और हमारे लिए तो वो हमारे भगवानों जैसे, जब मैं प्रे करता हूँ तो सारे गॉड्स का नाम के साथ अपने माँ बाप का लेता हूँ, सारे माँ बाप सब बच्चों के गॉड्स होते हैं, तो मुझे लगता है कि आज तक वो हमें गाइड कर रहे हैं और जो भी वो चाहते हैं वही होता है। तो आज उनने कहा है और डन किया है तभी ये अवार्ड हमें मिल रहा है, वो बोलते नहीं मिलना तो नहीं मिलना, वैसे ही वो हम जब भी, मैं तो रोज़ उनसे प्रे करता हूँ कि अच्छे काम करते रहें और कुछ ना कुछ बढ़िया करते रहें, और उनकी याद जो है वो पूरे हिंदुस्तान को हमेशा हमेशा आती रहे। तो इट्स अ बिग ऑनर, अभी रामायण का भी एक बहुत अच्छा फंक्शन होने जा रहा है तो आई एम वेरी हैप्पी, और रामानंद सागर जी भी नहीं है बट आई थिंक ही मेड एन एपिक, वैसे लोगों को भी ऐसी चीज़ में जोड़ना चाहिए, तो इट्स वंडरफुल। आई थिंक
जो भी डैड कॉर्नर करे वो हम सर मत्थे पे जो बोलते हैं पंजाबी, तो वी आर वेरी हैप्पी। बोले ले रहा हूँ एक मिनट, मैं जरा मैगजीन के हिसाब से ले लूँ। आप साथ में थोड़ा सा, क्या आप साथ में, आप साथ में क्या है।